पहली यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। मात्रक और मापन, मात्रक और मापन, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम इसी तरीके से बायलिंगुअल करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? तो भौतिक राशियां जिनको एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेजर किया जा सके, मापा जा सके, ऐसी राशियों को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। द क्वांटिटीज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स एंड कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, उदाहरण एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, मास, लेंथ, टाइम, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। सो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियाँ क्या है? ऐसी राशियाँ जिनको हम नंबर्स में व्यक्त कर सके, राइट। नंबर्स में व्यक्त करने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से उनको व्यक्त कर सके और साथ ही साथ उनको मेजर कर सके। मेजर करने का मतलब क्या है कि जैसे हम किसी का वेट या किसी का वेट मेजर कर रहे हैं, राइट। सो वेट मेजर करने में क्या होगा, उसका वेट होगा 50, 60, 70, 30, 40, इस तरीके का वेट हो सकता है, राइट। किसी की लंबाई हो सकती है 160, 150, 130, इस तरीके से उसकी लंबाई हो सकती है। कोई भी राशि, कोई भी क्वांटिटी, जब तक आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते नंबर्स में और साथ ही साथ उसको मेजर नहीं कर सकते, इधर डायरेक्टली या तो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से, इधर इनडायरेक्टली या तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको मेजर नहीं कर सकते, या मेजर करेंगे तभी वो राशियां क्या होंगी, आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, राइट। एग्जाम्पल्स हो गए मास, लेंथ, टाइम, द्रव्यमान, लंबाई, समय, और भी कई क्वांटिटीज हैं। आप एग्जाम्पल सोच के बताइए, जैसे हम लाइट देखते हैं तो लाइट का जो इंटेंसिटी होती है उसको भी एक फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसी भी जो है वस्तु को या एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मोल्स की बात करते हैं, राइट। पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं। तो ये सारी हमारी राशियां हैं। अब हम बात करेंगे मात्रक, राइट। मात्रक क्या है? मात्रक का मतलब क्या है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी राशि को या फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कोई यूनिट चाहिए होती है, राइट। यूनिट का मतलब उसकी एक निश्चित अमाउंट चाहिए जिसमें कि हम उसे मेजर कर सकें। तो मात्रक बेसिकली क्या है? किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित परिमाण को हम मात्रक मान लेते हैं, जिसको हम कोई नाम दे देते हैं, और उसी को हम बार बार एक मात्रक के रूप में कहते हैं। जैसे हम लंबाई लेते हैं तो लंबाई क्या है? लंबाई में हम 1 मीटर को, 1 मीटर या कहिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए ये है, इतनी लेंथ है, राइट। दिस इज आवर 1 सेंटीमीटर, राइट। तो इस 1 सेंटीमीटर को जो है हम एक मात्रक मान लेंगे, इसको नाम हमने सेंटीमीटर दे दिया। अब कोई भी लंबाई हो सकती है, उसको हम जो है सेंटीमीटर्स के रूप में मेजर कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर क्या हो गया? हमारा मात्रक हो गया। एग्जाम्पल्स, सेंटीमीटर फॉर लेंथ, और भी हो सकते हैं मीटर फॉर लेंथ, क्यूबिक
किलोमीटर फॉर लेंथ, यानी एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम अलग अलग परिमाण को, अलग अलग परिमाण को एक मात्रक मान सकते हैं। हमें ये अलग अलग मात्रक क्यों चाहिए, हम अलग अलग मात्रक क्यों लेना चाहेंगे, सोचिए, आप सोचिए कि हम ये अलग अलग मात्रक क्यों लेते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है अपनी लंबाई मेजर करनी है, ठीक है, अपनी हाइट जो है मेजर करनी है, तो उसको मेजर करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप उसे जो है सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी हाइट 120, 130 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर होगी, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि आपको चींटी की लंबाई मेजर करनी है, ठीक है, चींटी की लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, तो उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, दशमलव, दशमलव एक सेंटीमीटर, यानी वहाँ पे आपको क्या चाहिए, सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट चाहिए। तो आप जो है एक एमएम को जो है, एक एमएम को जो है आप जो है क्या मान लेंगे, अपना मात्रक मान लेंगे, एक निश्चित परिमाण होना चाहिए। तो परिमाण हमारा निश्चित हो गया कितना, 1 mm। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आपको जो बाल है, बाल का डायमीटर मेजर करना है, बाल का डायमीटर मेजर करना है, तो बाल का डायमीटर आप सेंटीमीटर में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि बाल का डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम होता है, रफली 20 to 50 माइक्रोन होता है। तो इसको मेजर करने के लिए हम नए मात्रक की तलाश करते हैं, तो नया मात्रक हमारा और छोटा हो जाता है, जिसको हम माइक्रोन कहते हैं, माइक्रोमीटर कहते हैं, राइट। और दूरी अगर बड़ी है हमारी, मान लीजिए हमें यहाँ से जो है अपने घर से जो है दिल्ली की जो है दूरी मेजर करें, ठीक है, दिल्ली से मेजर करें, तो मान लीजिए उसकी दूरी आपको जो है 200 किलोमीटर आ जाती है, तो 200 किलोमीटर को आप किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे या फिर आप उसे जो है मिलीमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। मिलीमीटर में करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 200,000, राइट, 200 × 1000, 2,00,000 mm। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको दूरी जो है चंद्रमा तक की मेजर करनी है, पृथ्वी से चंद्रमा तक, अर्थ से मून की दूरी मेजर करनी है, तो वहाँ पे आपको और बड़ी जो है डिस्टेंस की आवश्यकता होगी, और बड़े मात्रक की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखेंगे कि मापन क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, राइट। जब भी हम किसी भौतिक राशि को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो उस भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली तो ये कि उसका मात्रक क्या होगा, हम किस यूनिट में उसको मेजर करेंगे, राइट। दूसरा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, उसका आंकिक मान क्या होगा। यानी दो चीज़ें क्या क्या चाहिए, मात्रक चाहिए, आंकिक मान चाहिए, तभी हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई यूनिट होती है। मान लीजिए कि आप जो है एक बाल्टी में पानी आपने रखा हुआ है, उस पानी को मेजर करना चाहते हैं, राइट। तो उस क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उसका जो वेट जो आप मेजर कर रहे हैं, तो उसे किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं, ग्राम्स में मेजर कर रहे हैं या किलोग्राम्स में मेजर कर रहे हैं, पहला तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और फिर जब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया, तो आप उस वेइंग मशीन में जाएंगे, वेइंग मशीन में उस बाल्टी को रख देंगे, बाल्टी को रख करके आप जो है क्या करेंगे, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू देख लेंगे, वेइंग मशीन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगी। मान लीजिए वेइंग मशीन कितनी दे रही है, 14,000, राइट। तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू 14,000, यूनिट क्या है, ग्राम्स, यूनिट क्या है, ग्राम्स। तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी वेट क्या हो जाएगा, एन इंटू यू इज इक्वल टू 14,000 grams, राइट। अगर आपने स्टैंडर्ड आपने किलोग्राम चूज कर लिया, किलोग्राम्स, तो उसी बाल्टी का वेट 14 kg हो जाएगा। जब आपने बेइंग मशीन में यूनिट चेंज कर दी, यूनिट चेंज करते ही आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, 14 kg।
सो आपकी फिजिकल क्वांटिटी यानी वेट ऑफ द बकेट बाल्टी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एन टाइम्स यू। और ये जो सेकंड फार्मूला लिखा है, एक्स इक्वल टू एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू इक्वल टू एन थ्री यू थ्री, ये किस लिए है कि आपका अभी आपने जो एग्जाम्पल लिया, दिस वन दिस इज योर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आपने एक बकेट ली है जिसका वेट है राइट डब्ल्यू है, इसको आपने क्या किया जब ग्राम में मेजर किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी 14,000 ग्राम, जब आपने इसी चीज को किलोग्राम्स में लिया तो आपका किलोग्राम 14। बिटवीन एन एंड यू क्या हो जाएगा, एन एंड यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, चाहे आप एन यू वन यू टू यू थ्री कोई भी ले, यानी मात्रक आप कोई भी ले उसके रिस्पेक्ट में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। और इस तरीके से एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई यू हो जाएगा, एन न्यूमेरिकल वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। आप ये बात समझ में आ गई होगी कि एन जैसे जैसे आप यूनिट को बड़ा करते जाएंगे या यूनिट की मात्रा को कम करते जाएंगे तो उसी रिस्पेक्ट में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कम या ज़्यादा होती जाएगी। यानी अगर आपने यूनिट बड़ी ली, इफ़ यू हैव इंक्रीज योर यूनिट राइट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपने यूनिट कम कर दी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी राइट। सो द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके बच्चों, अब हम जो है वेट करने जा रहे हैं इस बॉक्स का वेट राइट इन किलोग्राम्स। तो हमने ये डब्बा रख दिया है और इससे हमें वेट मिल गया है। इस डब्बे का वेट कितना है, 10.9 किलोग्राम्स राइट। अब हम इसी को पाउंड्स में मेजर करेंगे। देखिए पाउंड में क्या दिखा रहा है, पाउंड में इसी बॉक्स का वेट 24 दिखा रहा है, 24 पाउंड्स राइट। हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे मूल एवं व्युत्पन्न राशियां, मूल एवं व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात करेंगे राइट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। मूल मात्रक, मूल राशियां क्या है, मूल राशियां ऐसी राशियां हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करते, यानी उनकी खुद की आइडेंटिटी होती है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, ऐसी राशियों को ही हम जो है मूल राशि कहते हैं। एंड दोज क्वांटिटीज दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे एग्जाम्पल क्या है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये हमारे मूल राशियां हैं, क्योंकि हम मास को और किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं लिख सकते, लेंथ को और किसी फंडामेंटल क्वांटिटी में व्यक्त नहीं कर सकते। मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक, मूल मात्रक वो मात्रक हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं राइट। मूल मात्रक दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते। फंडामेंटल यूनिट्स इसी को इंग्लिश में अगर आप बोले तो द यूनिट दैट आर यूज टू एक्सप्रेस द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स। एग्जाम्पल है किलोग्राम, जैसे मास को यानी द्रव्यमान को अगर हम व्यक्त करते हैं तो वो किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, लंबाई को व्यक्त करते हैं मीटर्स में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करेंट को एम्पियर्स में, टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में हम व्यक्त करते हैं। इस तरीके से हम जो है मूल मात्रक और मूल राशियों के बारे में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं राइट। इसके अलावा जो अदर क्वांटिटीज होती हैं दे आर कॉल्ड एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी हैं, व्युत्पन्न व्युत्पन्न राशियां राइट, व्युत्पन्न राशियां डेराइव्ड क्वांटिटीज, वह राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं या दूसरी राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। दोज क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या है होंगे इसके, आप बता सकते हैं, कैन यू टेल अस, जैसे वेग यानी वेलोसिटी, फोर्स
बल, त्वरण, ये सारी जो है क्या है हमारी हमारी डेराइव्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, व्युत्पन्न राशियां हैं, क्योंकि ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। जैसे वेग किस पर वेग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन के परिवर्तन की दर को ही हम वेग कहते हैं। चलिए ये थोड़ा है, त्वरण ए, एक्सलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट, ये हमारा क्या है, हमारा जो वेग है वो कितने समय में कितना चेंज होता है, कितना बदलता है, उसको हम कहते हैं त्वरण। तो इस तरीके से हमारे ये वेग, बल, त्वरण, ये सारे के सारे डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं। व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बात करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कैसे मात्रक होंगे, ऐसे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को मेजर करते हैं, मूल राशियों की जगह व्युत्पन्न मात्रकों को मेजर करते हैं, वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं उनको जो है क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और व्युत्पन्न मात्रक दूसरे या व्युत्पन्न मात्रक दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं, राइट, व्युत्पन्न मात्रक जो वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक दूसरे मात्रकों पर भी निर्भर करते हैं। डेराइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स दैट आर यूज टू एक्सप्रेस द डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड, डेराइव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स, दे डू नॉट डिपेंड्स, दे डिपेंड ऑन अदर यूनिट्स। एग्जाम्पल आपके क्या होंगे बताइए, जैसे फोर्स को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन, राइट, न्यूटन मात्रक होता है, यूनिट होती है फोर्स की, लेकिन ये किसके मदद से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बनाया जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को बनाने के लिए आपको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की आवश्यकता होती है, इसीलिए न्यूटन हमारा क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, डेराइव्ड यूनिट है। जैसे क्षेत्रफल है, एरिया है, राइट, एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट आप लिखते हैं मीटर स्क्वायर, राइट, तो मीटर स्क्वायर किस पर डिपेंड करता है, मीटर पर डिपेंड करता है, 2 टाइम्स आप मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का जब निकालेंगे तो मीटर क्यूब हो जाता है, तो वो मीटर पर डिपेंड करता है, राइट। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, मूल एवं व्युत्पन्न राशियां एवं मात्रक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हो गई, ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं करती उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और वो मात्रक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फिर से एक बार बात करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पर निर्भर नहीं करती, एंड दोज यूनिट्स दैट डिफाइंस द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल हमने लिए हुए थे लेंथ, मास, टेम्परेचर, ये सब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इनके अकॉर्डिंगली जो है हमारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हो गए वो हो गए किलोग्राम मीटर सेकेंड, ये सारे हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं, डेराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशियाँ, वो ऐसी राशियाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के
रूप में लिखी जाती हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। यानी व्युत्पन्न राशियाँ हमेशा मूल राशियों से ही मिलकर बनी होंगी, और ऐसे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को प्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एग्जाम्पल, पहले तो जो है राशियाँ कौन कौन सी हैं, बल, त्वरण, और मात्रक क्या है, न्यूटन, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप जो है